नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमित कंप्यूटर ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं सुमन कुमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? इसका आंसर है ए, सी डैक। दूसरा प्रश्न है, WWW के आविष्कारक कौन है? और इसका सही आंसर है सी, टीम बर्नर्स ली। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर है डी, टॉम लिनसन। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? इसका सही आंसर है बी, बग एक एरर है। सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बी, चार्ल्स बेबेज। छठा प्रश्न आता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, किसी भी वेबसाइट में मेन पेज किसे कहते हैं, या कहा जाए कि किसी भी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है? इसका सही आंसर है सी, होम पेज। होम पेज को किसी भी वेबसाइट का मेन पेज कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? इसका सही आंसर है बी, हार्डवेयर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाली को भेजी जाती है उसे कहते हैं? इसका आंसर है सी, अटैचमेंट। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? इसका सही आंसर है बी, रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसी चिपों का निर्माण होता है? आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर के द्वारा होता है। सो इसके लिए सही आंसर है डी, सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन ए पॉल एलन और ऑप्शन बी बिल गेट्स। ये दोनों ही इसका सही आंसर है, इसलिए यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। 13वां प्रश्न, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? इसका सही आंसर है सी, फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, आप सभी को जानकारी होना चाहिए। तो इसका आंसर है ए, वैक्यूम ट्यूब। मैसेज देना है टू वन एंड ऑल, 20 सेकंड तक करना डेटॉल, हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, जीतेंगे ये फाइट। নমস্কার, আপনা দিকে আমি অমিত কম্পিউটার টিউটোরিয়াল থেকে রিকোয়েস্ট করছি যে নিজের হাতকে সময় সময় দিয়ে ওয়াশ করুন, যখন বাইরে যান তখন মাস্কের উপযোগ করুন, আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করুন। ধন্যবাদ। নেক্সট কোয়েশ্চন হ্যাঁ, ভারত কি সবসে বড় সফটওয়্যার কম্পানি হ্যাঁ? তো ভারত কি সবসে বড় সফটওয়্যার কম্পানি টিসিএস হ্যাঁ? ইহা ইসকা সহি উত্তর হো জায়েগা সি, টিসিএস। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, इसलिए इसका आंसर है ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, ALU का पूरा रूप है? तो यहाँ आपको ALU का फुल फॉर्म बताना होगा। सो यहाँ सी ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, या फिर कह सकते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? यहाँ ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी फोर्ट्रॉन, ऑप्शन डी सी, ये सभी कंप्यूटर की भाषा है। सो इसलिए ऑप्शन सी, एफ कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? इसका सही आंसर है ए, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, रैम का फुल फॉर्म है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सो राइट आंसर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? इसका सही आंसर है डी, माइक्रो प्रोसेसर। अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? हालांकि सिलिकॉन वैली हम बेंगलुरु को कहते हैं, इसलिए यहाँ कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स आईसी पूछा जा रहा है, तो आईसी का आविष्कार जे एस किल्बी ने किया। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है, जे एस किल्बी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सीपीयू का अर्थ है, बहुत ही आसान प्रश्न है, सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, तो यहाँ डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, गूगल सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है? तो ओएमआर का यूज़ किया जाता है, यहाँ बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ओएमआर। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाना। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।